उसके पास क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार। अरविंद लड़की का क्या नाम है जिसने आग लगाई? रेनू। रेनू कितनी उम्र है उसकी? 21 साल उम्र। क्या मामला है? पता नहीं सर। क्या किया उसने? पता नहीं, मैटर आग लगाई थी। हम तो गांव से अभी आए हैं। सुभाष नगर में सुबह एक पत्र सामने आया जिसमें कि एक लड़की की जली हुई डेड बॉडी हमें मिल गई। वहाँ पर मौके पर हम लोग वहाँ गए, हमारी फिल्म भी गई और सभी संबंधित जो एविडेंसेस हैं वहाँ से उठा लिए गए। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उसके आधार अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ लग रहा है सर डेड बॉडी देख के, क्या लग रहा है? क्योंकि वहाँ से एक सुसाइड नोट भी छोटा सा मिला है जिसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ तो नहीं लिखी है, परंतु बस उसमें ये लिखा है मुझे माफ़ करना, माँ बाप के लिए उसने एड्रेस किया। तो उस सुसाइड नोट को भी हम लोग हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे और बाकी चीज़ों को देख के थोड़ा सस्पिशन तो हो ही रहा है सीन ऑफ क्राइम को देख के, परंतु चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर क्लियर हो गई। तमाम में से सवाल खड़े हो रहे हैं सर, क्योंकि जिस तरीके से घर के बाहर ही डेड बॉडी मिली है तो किसी को पता भी नहीं चल सका, क्योंकि जब कोई जलता है तो चीखता चिल्लाता है, ना पड़ोसियों को इसकी भनक लगी ना घर वालों को लगी। बिल्कुल, ये जांच का विषय है और ये आश्चर्य का भी विषय है। इस चीज़ को भी हम लोग किस एंगल पर भी हम लोग देख रहे हैं और इसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन जैसी होगी सभी फैक्ट सामने आ जाएंगे। सर डेड बॉडी किस अवस्था में कैसे मिली थी क्या? वो डेड बॉडी ऑलमोस्ट पूरी तरह से जली हुई थी और घर के सामने जो रोड है उनकी उस पर वो गिरी हुई थी। तो वहाँ पे जब हम लोग वहाँ मौके पहुँचे तो वो बॉडी घर के सामने ही पड़ी हुई थी। ठीक है, थैंक यू।